हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है गुजरात में हाईकोर्ट की तरफ से, ग्रुप सी एंड डी दोनों ही तरह के पोस्ट के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपका 1318 यानी 1318 पोस्ट रहने वाला है। ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्टेड है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है 22 मई से, लास्ट डेट 15 जून रखा गया है। तो आगे इसका और भी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप चाहते हो अगर कि अप्लाई का लिंक अगर आपको चाहिए या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाइए टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है ना, 21 वर्ष से 40 वर्ष यानी 21 to 40 ईयर्स है। एज किस डेट से कैलकुलेट होगा, लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई का है 15 जून 2024। एज में अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को 3 ईयर्स का और एससी एसटी को 5 ईयर्स का। देखिए आपको बताया कि ग्रुप सी और डी की पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट है। तो चलिए सभी पोस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कितना सीट है और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। हमारी पहली पोस्ट है इंग्लिश स्टेनोग्राफर की, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, 54 सीट यानी 54 सीट है। इसके लिए कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है यानी ग्रेजुएट आप हो तो अप्लाई कर सकते हो, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे। स्टेनोग्राफर का है तो स्टेनो का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड पोस्ट है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर यानी डीएसओ के लिए, टोटल सीट 122 यानी कि 122 पोस्ट रहेगा। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है कंप्यूटर ऑपरेटर की, 148 यानी 148 सीट्स रहेगा। डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। और उसके बाद आपका ड्राइवर का पोस्ट है, 34 सीट रहेगा। 10वीं पास बच्चे, साथ ही साथ आपके पास कम से कम लाइट मोटर व्हीकल का तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग का होना चाहिए। अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपकी 208 यानी 208 सीट्स है और सिर्फ 10वीं पास बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैनेजर की भी पोस्ट है, 21 MBA या फिर डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट से, साथ ही साथ जिनके पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है वो सभी अप्लाई करेंगे। गुजराती स्टेनो ग्रेड 2 के लिए है, 214 यानी 214 सीट है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, गुजराती आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और स्टेनो 90 वर्ड्स पर मिनट के लिए। गुजराती स्टेनो ग्रेड 3 के लिए 307 पोस्ट है। देखिए इसमें सेम ही है सब कुछ, ग्रेजुएशन होना चाहिए, गुजराती आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और स्टेनो होना चाहिए 70 वर्ड पर मिनट के लिए। अंतिम हमारी पोस्ट है प्रोसेस सर्विस या फिर वैलिफ का, तो 210 इसके लिए सीट रहेगा। 12वीं पास बच्चे अप्लाई करेंगे। टू व्हीलर होता है ना, उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप कि इस सारे पोस्ट के बारे में मैंने आपको सारा क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी अच्छे से बता दिया हो। चलिए अभी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी क्या लिया जाएगा। देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 1500 रुपीज़ यानी 1500, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक सर्विसमैन से 750 रुपीज़। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा, तब जाके सिलेक्शन ले पाओगे। पहले स्टेज पर आपका रिटन एग्जाम होगा 40 मार्क्स का। सेकेंड पे स्टेनो या फिर स्किल टेस्ट, देखिए ये स्टेनोग्राफर के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आपको उसके वेबसाइट पे मिलेगा, वेबसाइट का लिंक टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा। देखिए तो स्टेनोग्राफर के लिए आपका स्टेनो या स्किल टेस्ट होगा 40 नंबर के लिए और वाइवा वोक आपका 20 मार्क्स का, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा।
और बाकी जो भी पोस्ट है ना उसके लिए मतलब सबका अलग अलग थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे ड्राइवर की पोस्ट है तो उसके लिए स्टेनो के जगह पर स्किल टेस्ट होगा, आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा। ऑफिस अटेंडेंट है तो इसमें बस एग्जाम और इंटरव्यू होगा, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। एग्जाम की बात करूं अगर तो देखिए डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा होती है जो कि आपको गुजरात में जाके देना होगा, अहमदाबाद या फिर गुजरात की किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। तो ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट को गुजरात जाके पेपर देना होगा। पेपर आपका 40 मार्क्स का होता है, समय रहेगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। इंग्लिश का आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें कि एसे, लेटर राइटिंग, प्रेसाइज राइटिंग और जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज से रिलेटेड वो पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग रहेगा 50% कम से कम आप लाएंगे तभी अगले स्टेज के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब स्टेनोग्राफर के लिए आपने देखा कि यहाँ पर टोटल 3 तरह के स्टेनोग्राफर के ही पोस्ट है, तो उसके लिए फ्रेंड्स देखिए आपका 40 मार्क्स का होगा, 50 मिनट के लिए रहेगा, 2 पैसेज रहेगा और दोनों पैसेज में 400-400 वर्ड रहेंगे और 100 WPM यानी 100 words per minute की आपकी एटलीस्ट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसको जब आप क्वालिफाई करेंगे तो वाइवा बुक फॉर 20 मार्क्स यानी इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपकी जॉब लग जाएगी गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। तो जब आप जॉब करोगे तो शुरुआती दौर में आपको सैलरी दी जाएगी 39,900 रुपीज यानी 40,000 से शुरुआत होता है, सैलरी बाद में बढ़ा करके आपकी 1,26,600 यानी 1,26,600 रुपये कर दिया जाता है। और ये मैं कोई किसी अनुमान के तौर पे नहीं बता रही हूँ, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है, तो आप भी उसको डाउनलोड करके थॉरो आउट एक बार रीड कर ले। आई होप कि अभी सारे पोस्ट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन अब तो क्लियर हो ही गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।